ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, हमें ऐसे तरह के क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल, 3 + 2 अंडर रूट फाइव इज इरेशनल। और सबसे पहले हम इसका एकदम बेसिक क्वेश्चन देखो पढ़ेंगे, जो कि 1.3 में नहीं है, जो कि शायद एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो कि थ्योरम है ना, थ्योरम 1.4 के नाम से। रुक जाओ एक मिनट, थ्योरम 1.4, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 12। थ्योरम 1.4 के नाम से है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, तो बेटा ये जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अपन इनको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। किससे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन कौन जुड़ गया? शांभवी, संकेत एंड हार्दिक। चलो ठीक है बेटा, एंड कीर्तन, है ना। तो चलो फिर आज हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं 1.3 में, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कॉलर माइक यूज कर रहा हूँ, आई कैन नॉट हियर यू। वट एवर क्यूरीज यू हैव आप लोग मुझे चैट में भेजेगा तो मैं पढ़ता जाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो फिर आज का अपन, है ना, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर डालते हैं। तो सबसे पहले देखो, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अपन इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है, यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये जो रूट टू है ये क्या इरेशनल है। तो सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि भाई सपोज करो कि ये रूट टू, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट दिस रूट टू इज नॉट इरेशनल। तो अगर रूट टू अगर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा? रेशनल होगा, होगा ना, है ना। और फिर हम लास्ट में हमने जो माना है कि रूट टू क्या है, रेशनल, उसको हम क्या दिखा देंगे? गलत दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने लिखा सोल्यूशन यहाँ पर, ठीक है, और आपने लिखा लेट अस सपोज, सपोज इस तरह से, सपोज रूट टू सपोज ऑन कॉन्ट्ररी, ऐसा लिख लो, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी, ऑन कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रेशनल, दैट रूट टू इज रेशनल। ठीक है बेटा, अच्छा अगर रेशनल है तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, होगा ना, या पी अपॉन क्यू, जो तुम्हारी मर्जी, या लिख देना वेयर वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है बच्चा लोग, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम इंटीजर्स? ऐसे दो इंटीजर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है, वन, दैट इज जो इनका एचसीएफ है वो किसके बराबर है, वन के बराबर। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया है ना, हमने अपोजिट मान लिया, क्या मान लिया, दैट यहाँ पर जो हमारा रूट टू है वो क्या है, रेशनल है। और फिर अपन ने लिख दिया कि क्योंकि अगर रूट टू अगर तुम्हारा रेशनल है तो हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर ये जो रूट टू है आपका, इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, दैट इज इनमें जो एच सी एफ है वन के बराबर है। ठीक है बेटा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ सबसे पहले इसमें स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ लिखा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि बस ए और बी में कॉमन फैक्टर वन है। अब देखो चलो करते हैं अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा रूट टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर देखो इसके बाद दिस इम्प्लाइज, अब देखो स्क्वायर किया हमने तो यहाँ से ऑब्वियस स्क्वायर रूट हटे आएगा, रूट टू होल स्क्वायर इज हाउ मच, टू, सो टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया इसका मतलब, अब ये हुआ दिस इम्प्लाइज, अब ये बी स्क्वायर को बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके पास भेज दो, दिस इम्प्लाइज टू बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हो जाएगा ना ऐसा। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर के आगे क्या है, टू मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि
हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2b² है, ठीक है, ये जो 2b² है ना, इस 2b² को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना। तो देखो इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं कि 2 सिंस 2 डिवाइड्स 2b² कर रहा है ना, करेगा कि नहीं करेगा? कि देखो ना 2b² में 2 एक फैक्टर है, तो ये कुछ ऐसा लिखा है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 डिवाइड्स 2b², ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये क्या लिखी है 2 डिवाइड्स 2b², तो अगर 2 2b² को डिवाइड कर रहा है और तुम्हारा 2b² किसके बराबर है, a² के बराबर है, तो यहाँ यही कह सकते हैं जो 2 है वो a² को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ जरा, यहाँ पर कोई डाउट है? मैं कह रहा हूँ कि 2b² को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a² को भी 2 डिवाइड करेगा, इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक समझ में आया बताओ जरा, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो अपन, मैंने यहाँ लिख दिया दिस इम्प्लाइज, फिर अपन ने लिखा दैट 2 डिवाइड्स a², ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा 2 a² को डिवाइड कर रहा हूँ, a² क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब तुम खुद सोचो, जैसे हमने कहा कि इस तरह से फॉर एग्जांपल सपोज a कितने के बराबर है, 4 के, है ना, तो 4² तो हमने ऐसा लिखा कि 2 डिवाइड्स 4² तो ऑब्वियस है कि अगर 2 4² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये कि जो 4 जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना? अगर 2 जो है, हमने यहाँ पर कहा, मैंने कहा कि अगर जो 2 है वो 4² को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई भाई कि 2 जो है वो a में खुद ही एक फैक्टर है। अभी स्टार्ट में हमने क्या माना था कि a और b में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है, ठीक है ना? तो अभी देखो यहाँ पर अब कुछ घटनाएं हो रही, क्या हो रही, एक चीज हमें समझ में आई कि a जो एक पॉजिटिव इंटीजर है उसमें 2 एक क्या है, फैक्टर है। अब आगे जाके हम ये दिखा देंगे बेटा कि b में भी 2 का एक फैक्टर होगा, तो फिर क्या होगा, a और b दोनों में 2 का फैक्टर हो जाएगा। तो जो हमने स्टार्ट में माना था कि a और b में कॉमन फैक्टर 1 है, उसका सब कुछ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमारा जो सपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर आप, हमें ये समझ में आया कि दैट दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a, तो आपने लिखा लेट लेट a इज इक्वल टू 2 × c। भाई 2 डिवाइड्स a का मतलब ये है कि a में खुद 2 एक फैक्टर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है? सबसे पहले अब देखो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये जो लिखा था ना, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल सब्स्टिट्यूट a बाय 2c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं अपन और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक मिनट। तो आप लिखो पुट a इज इक्वल टू 2c, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b², दिस इज गोइंग टू गिव यू a² a की जगह आपने रखा 2c होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2b² दिस इज इक्वल टू हाउ मच 4c², है ना? और थोड़ा सा अपन इसको नीचे स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज b² दिस इज इक्वल टू 2c², ठीक है ना? यहां से एक बात क्लियर हो गई। तो देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि 2 है ना, 2c² लिखा हुआ है ना, तो देखो अब यहां पर तुम ये कह सकते हो कि जो 2c² है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2, क्योंकि देखो ना 2c² में 2 का मल्टीप्लाई है, तो हम यहां कह सकते हैं सिंस 2 डिवाइड्स 2c², इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज, और 2c² किसके बराबर है, b² के, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है, 2 जो है वो b² को भी डिवाइड करेगा। तो तुमने लिखा दिस इंप्लाइज 2, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड्स b². अब अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 b को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना? इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर,
is a common factor in both a and b. In both a and b, ठीक है ना, ये हो गया. तो स्टार्ट में तो देखो अभी यहां पर जरा आप देखो फिर से स्टार्ट में हमने क्या बोला था, ये देखो ये वाला अगर तुम लाइन को समझो, ये जो लिखा हुआ है कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स. स्टार्ट में हमने कहा था ये जो ए और बी है इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर है वन. और अब यहां पर देखो उसी सेम क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं कि ए और बी में कॉमन फैक्टर अब क्या हो गया, टू हो गया. तो क्या बताओ, ये पॉसिबल है? बताओ जरा चैट में, इज इट पॉसिबल? हाँ, एक ही क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट में पहले वन कॉमन फैक्टर है फिर उसी में टू हो जाए? बताइए जरा. कीर्तन, संकेत, बताओ, हार्दिक, इज इट पॉसिबल? नहीं ना. हाँ बिल्कुल सही है. इसका मतलब जो हमने क्या किया था, सपोज किया था, सब क्या हो गया, सब गलत हो गया, हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है कि नहीं. तो लिखोगे आप विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच कॉन्ट्राडिक्ट, यहां पर आप लिखेंगे विच विच कॉन्ट्राडिक्ट विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. ठीक है बेटा, थोड़ा लिखना आना चाहिए अपने को. हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. ठीक, तो आपने लिखा देयर फोर, यहां पर देयर फोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. इसलिए हमने जो स्टार्ट में सपोज किया था सब गलत हो गया हमारा. ठीक है ना, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. ठीक है, तो हमने स्टार्ट में क्या बताया था कि रूट टू क्या है तुम्हारा, रूट टू क्या है, रेशनल है. और वही सब कुछ गलत हो गया हमारा. देयर फोर आप लिखोगे देयर फोर रूट टू इज इरेशनल. तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या हो गया, सही हो गया. क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि प्रूफ करो रूट टू क्या इरेशनल है. हमने क्या मान के चला कि रूट टू क्या है, रेशनल है. और फिर लास्ट में हमने क्या देखा, हमें यही पता चला कि भाई जो हमने रूट टू को रेशनल माना था वो सही नहीं है. इसका मतलब ये कि जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था वो क्या है, सही है. ठीक है, तो बताओ जरा ये तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, बता दो. देखो सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल. सबसे पहले तुमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसकी तरह नहीं है ये. ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखो वही है, कह रहा है कि प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इरेशनल है. यहाँ पर तुम लिखो लेट अस सपोज ऑन कॉन्ट्ररी, ऐसे लिख दो, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी, सपोज. ठीक है, आपने लिखा ऑन कॉन्ट्ररी दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल. इसको वही देखो हमने उल्टा माना. अब रैशनल है तो ऑब्वियस है इसको हम ए अपॉन बी के बराबर लिख सकते हैं. तो आपने लिखा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी. यहाँ साइड में रीजन दे देना, वेयर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स आर को प्राइम इंटीजर्स. ठीक है बेटा, ये हो गया. अब देखो अब अपन इसको कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को वैसा यहाँ पर इसमें हम स्क्वायर स्क्वायर नहीं करेंगे. ठीक है ना, यहाँ पर हमारा फंडा ये है, ये ध्यान देना कि हमें इंटीजर्स को सारे एक तरफ रखना है और जो इरेशनल है उसको एक तरफ रखना है. तो देखो अगर तुम यहाँ गौर करो यहाँ पर इस वाले में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 3 तुम्हारा इंटीजर है सबसे पहली बात, 2 भी तुम्हारा इंटीजर है, पर ये जो रूट 5 है ये तुम्हारा क्या इरेशनल है. तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, 3 और 2 को उधर भेजेंगे राइट साइड में और रूट 5 को लेफ्ट में रखेंगे. ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन 3 को उधर भेजते हैं. ये देखो तुम्हारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 अंडर रूट 5 दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी
-3, ठीक है, ये हो गया। तो पहले 3 को उधर भेज दिया, क्योंकि देखो ना ए और बी भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर को एक तरफ रखते हैं अपन। फिर आपने आगे बढ़ा, आपने लिखा दिस इम्प्लाइज 2√5। अब इधर पर एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड में, बी इज एलसीएम, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए -3b, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये 1 था। अब क्या करो, ये जो 2 है इसको b के पास भेज दो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ जाएंगे। दिस इम्प्लाइज √5 दिस इज इक्वल टू ए -3b अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब जरा गौर फरमाओ तुम इस चीज पे। यहाँ पर देखो ये जो ए है ये तुम्हारा है इंटीजर, 3b भी तुम्हारा है इंटीजर, 2 भी तुम्हारा क्या है इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता है बच्चा वो क्या होता है, रैशनल होता है कि नहीं होता है, बताओ। ये इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं, इंटीजर अपॉन इंटीजर जो है वो रेशनल होता है। हाँ आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड है हमारा यहाँ पे, ये जो पूरा राइट हैंड साइड है ये क्या है, रेशनल है ना। तो अपन ने लिखा दिस इम्प्लाइज है ना, क्या लिखा अपन ने, और ये रफ वर्क था समझ गया ना, इसको मत लिख देना फिर मतलब, ठीक है, ये समझाने को बस। तो आपने लिखा दिस इम्प्लाइज ए -3b अपॉन 2 इज रेशनल, इज रेशनल, ठीक है। तो भाई अगर हमारा राइट हैंड साइड अगर वो पूरा रेशनल है तो इसका मतलब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने लिखा दिस इम्प्लाइज ए, सॉरी ये नहीं, एक मिनट एक मिनट, अपन ने लिखा दिस इम्प्लाइज क्या लिखा कि दिस इम्प्लाइज √5 इज ऑल्सो रेशनल। अच्छे बताओ रियलिटी में √5 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, बताओ बताओ जरा रियलिटी में √5 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, बताओ जरा चैट में। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इरेशनल है ना, अच्छा संकेत सिंह इरेशनल, व्हाट अबाउट अदर्स, हार्दिक आप बताओ, कीर्तन तुम बताओ √5 क्या है, रेशनल है कि रेशनल, हाँ इरेशनल है। तो तुमने लिखा बट √5 इज इरेशनल, ले वो तो सब कुछ गलत हो गया जो हमने माना था, है कि नहीं। तो अपन ने लिखा देयरफोर आवर क्या सपोजिशन, जो भी सब कुछ हम मान के चल रहे थे सब गलत कर दिया हमने। तो आपने लिखा देयरफोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग है ना। हमने क्या सपोज किया था, हमने ये सपोज किया था कि ये हमारा जो 3 + 2√5 वो क्या है, रेशनल है। तो जो हमने सपोज किया वही गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या दिया हुआ था कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये क्या हो गया, ये सही हो गया। तो बस लिख देना देयरफोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दिस इम्प्लाइज 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया, अब बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ कोशिश तो किया है कि समझ में तुम लोग को आ जाए। ये थोड़ा हल्का अलग क्वेश्चन था, हो गया, चलो ठीक है। अब देखो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। चलो ये किसमें, ये वाला भी देख लेते हैं, 1/√2 वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, अब वो देखते हैं। देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1/√2 ठीक है इज इरेशनल, ठीक है इज इरेशनल। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा अपन ने, जो भी दिया उसका अपोजिट मानो, तो लिखो सपोज ऑन
कॉन्ट्ररी वन अपॉन रूट टू इज रेशनल। ठीक है, अपन ने मान लिया इसको रेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन अपॉन अंडर रूट टू दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए अपॉन बी, करेक्ट। यहां लिख देना वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है बच्चा, लो आपने लिख दिया वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। एक मिनट, अब एक सवाल है तुम लोगों के लिए, ये बताओ कि ठीक है देखो ना ओवर हियर द रीजन इज कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। तो अपन ने लिखा वन अपॉन अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, ऊपर मल्टीप्लाई रूट टू से और डिवाइड रूट टू से, दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा रूट टू अपॉन एंड रूट टू इंटू रूट टू, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, देखो अब हमें इंटीजर्स को एक तरफ रखना है और इरेशनल को एक तरफ। तो देखो यहाँ पर ए इंटीजर है तुम्हारा, ठीक है, ए क्या है इंटीजर और बी भी क्या है इंटीजर है, करेक्ट, और टू भी क्या है इंटीजर है ना, और ये जो रूट टू है तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा इरेशनल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टू को है ना यहाँ पर पहुंचा देते हैं इसकी मोहब्बत के पास। तो हमने लिख दिया दिस इम्प्लाइज रूट टू दिस इज इक्वल टू टू ए अपॉन बी। ठीक है, ये हो गया, टू भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने लिखा सिंस टू कॉमा ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब सब इंटीजर हैं दिस इम्प्लाइज टू ए अपॉन बी इज रेशनल, ये हो जाएगा हमारा रेशनल। ठीक है, तो हमने लिख दिया टू ए अपॉन बी एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, कहाँ चला गया मैं, तो देखो इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, देखो मैं ओरली समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या होगा, ये जो 2a अपॉन b है बेटा, ये क्या है 2a अपॉन b क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब 2a अपॉन b क्या हो जाएगा रेशनल। तो अगर 2a अपॉन b रेशनल है तो रूट टू भी क्या हो जाएगा रेशनल, बट रियालिटी में रूट टू क्या है इरेशनल है। इसका मतलब ये हो गया हमारा सपोजिशन क्या हो गया, फिर से रॉन्ग हो जाएगा। तो आप आंसर लिखोगे देयरफॉर वन अपॉन अंडर रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, रेसिप्रोकल से कैसे करेंगे, देखो रेसिप्रोकल में क्या करते, तो इसको ऐसे लिख देते कि इसमें देखो इस तरह से था ना, एक मिनट बेटा रुक जाओ, पता नहीं मेरी स्क्रीन से गायब हो गया है ये, एक मिनट।